अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने आप में भारत की सांस्कृतिक उपलब्धि का बहुत बड़ा एक ध्वजवाहन है। एक पैर पर खड़े हो, ठंड में खड़े हो, इस चीज से परे हटकर आर्य समाज ने अपने आप में योग की क्रांति की है। नमस्ते जी, एक सुंदर कथन है, योग से बड़ा कोई भी ऐश्वर्य नहीं है और योग से बड़ी कोई भी सफलता नहीं है, योग से बड़ी कोई उपलब्धि भी नहीं है। मन की शांति के लिए सबसे अच्छा साधन योग है, तो स्वास्थ्य के लिए क्रांति भी योग है। आज योगा डे है और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर योगा डे मनाया जा रहा है। ऐसे में मन में कई सवाल है कि योगा डे कैसे मनाएं, क्यों मनाएं और किस तरह मनाएं। इन सब सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ है आज विशेष अतिथि डॉक्टर मोक्षराज जी। योग को लेकर आपको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, आपका हम स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर मोक्षराज जी। धन्यवाद। योग गुरु जी, सबसे पहले आज शुभकामनाएं देना चाहूंगी आपको। आप योग गुरु हैं और सिखाते हैं, आप योगासन सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं और साथ ही शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को भी। और योग की जब हम बात करते हैं गुरु जी, तो योग हम कहते हैं हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आसन कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक ऐसी एक धारणा बनी हुई है कि योग को लेकर रोज योग कीजिए और रोग भगाइए, तो क्या योग यही है या योग कुछ और है इसके आगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। प्रथम तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा आपने सभी योग के प्रेमियों को शुभकामनाएं ज्ञापित किया आज के अवसर पर। और योग केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं है, लेकिन ये बात अवश्य है कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो योग नहीं कर सकते जी। क्योंकि स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है, मान लीजिए आपके पीठ में दर्द है और आप ध्यान करने बैठे, क्योंकि योग का अर्थ समाधि है, योग का अर्थ ध्यान है, योग का अर्थ ईश्वर से जुड़ना है, योग अपने आप में चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध होना है, ये सब तब संभव हो पाएगा जब आपका शरीर व्याधियों से मुक्त होगा। यदि आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं ईश्वर का आप और पीठ में दर्द हो रहा है, तो ध्यान आपका दर्द में जाएगा, ईश्वर पर नहीं जाने वाला है। ठीक वैसे ही आपके अगर घुटनों में दर्द है तो वही स्थिति बनेगी। आपको कोई बड़ी बीमारी है, आपको श्वास की बीमारी, आप ठीक से प्राणायाम नहीं कर पा रहे, तो आपका ध्यान उसमें टिकेगा ही नहीं जिस इष्ट को आप ध्यान करना चाहते हैं, ओम का जप करना चाहते हैं या ईश्वर का स्वरूप को ध्याना चाहते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य निश्चित रूप से योग का आधार है, पर उसके साथ साथ अगर हम देखें योग की तीन धाराएं हैं, एक उसका स्थूल स्वरूप है और वो स्वरूप है आप आसन करें, है ना, आसन यानी योगासन जिनको हम कहते हैं, तो आपका शरीर सुदृढ़ रहेगा, आप सख्त रहेंगे। और स्थिर सुखम आसनम, जब शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, स्थिर रहेगा, उसमें पद्मासन आदि लगाओगे तो स्थैर्य आएगा, तब आप देर तक ध्यान में बैठ सकते हैं, आप एकाग्र हो सकते हैं। तो एक तो तरीका है आसन वाला, इसका एक वो है, भाग है। दूसरा है जो हमारा प्राणमय कोष है, यानी शरीर में जो पांच प्राण हैं, पांच उपप्राण हैं, इनका संतुलन बना रहे। और ये पांच प्राण उपप्राण में हम जैसा कि देखते हैं, प्राण है, समान है, व्यान है, अपान है, उदान है और इसी तरह से समान है, इन सब के साथ साथ नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय है। ये सारे के सारे प्राण हमारे कहीं छींक के रूप में, कहीं आंसू के रूप में, कहीं उबासी के रूप में, कहीं चोट लग जाए तो वो एक तरह से उस जगह को ढकने के लिए, सूजन के रूप में ये उपप्राण काम करते हैं। वैसे ही पाचन के लिए, नस नाड़ियों में रक्त का संचार ठीक से हो, इस काम के लिए, और जीवात्मा को शरीर से अलग करना, उदान का जो काम है, ये सारे के सारे काम, या ऊपर की ओर जो हमारा कुछ भी प्रवाह होता है शरीर में, उस सब के लिए पांच प्राण हैं। इनका संतुलन जब तक नहीं होगा तब तक भी हम योग नहीं कर सकते। व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, उसको गैस की समस्याएं हो रही हैं, तो इन आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को आरोग्यता प्रदान करते हैं। और तीसरा है मानसिक रूप से हमें शांति मिलनी चाहिए। आत्मा को आनंद कैसे मिले, तो उसके लिए मंत्रों का हम जप करते हैं, ओम का चैंटिंग यानी ओम की ध्वनि को, ओम के जाप को हम करते हैं, ईश्वर के द्वारा रचे गए इन सारे मंत्रों के भाव में डूबते हैं, तब जाकर हम आत्मस्थ होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। तो स्वस्थ का वास्तव में जो अर्थ है वो है स्वयं स्थित होना, स्वस्मिन स्थित, यानी अपने आप में स्थित होना, और अपने आप में स्थित होना मतलब योगस्थ होना, आत्मस्थ होना, इसी को स्वस्थ कहा है। तो जब तक आप आत्मस्थ नहीं होगे, स्वयं में स्थित नहीं होगे, निज में स्थित नहीं होंगे,
तब तक आप स्वस्थ भी नहीं माने जाते। यानी कि अपने आप में, अपने आप से मिलना कह सकते हैं, अपने आप को जानना, अपने आप से मिलना। लेकिन गुरुजी ज़्यादातर तो आसन दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे कई सारे दर्शक होंगे जिनकी ये धारणा होगी कि इसको एक आसन दिवस है, हमने व्यायाम करना है, आसन करने हैं, योग आसन करने हैं। इस विषय में बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा, जिस समय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की परिकल्पना संयुक्त राष्ट्र संघ में माननीय मोदी जी ने रखी थी, तब उन्होंने केवल ये नहीं कहा था कि आसन करने वाली बात है, और जो सामान्य इसका अभ्यास क्रम है जिसको हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल बोलते हैं, उस कॉमन योगा प्रोटोकॉल में भी केवल आसन नहीं है। आरंभ ही उसका समगच्छध्वम समवदध्वम मंत्र से हो रहा है, जो आर्य समाज के संगठन सूक्त के रूप में आरंभ से हम लोग बोलते आए हैं। आर्य समाज के हर सत्संग में अंत में बोलते हैं, उसके अंदर आप चार मंत्रों को बोलते हैं, समानी व्याकृति है, समगच्छध्वम है, समानो मंत्र समिति समानी, समसमुद्योवसे वृषण अग्नि। तो जो आर्य विद्वान थे उनके भी यहाँ पर सुझाव लिए गए थे जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की रूपरेखा तैयार हो रही थी कि कैसे मनाना है। और ये एक बहुत बड़ा योगदान है आर्य समाज की ओर से कि उन विद्वानों ने ऋग्वेद के इन मंत्रों को दिया जो पूरी दुनिया में संगठन की बात करता है। तो उस दृष्टि से मंत्र से आरंभ हो रहा है, प्रणव के द्वारा, ध्वनि के द्वारा आरंभ हो रहा है, तो केवल आसन वाली बात तो रही नहीं। फिर उसके बाद प्राणायाम कराए जा रहे हैं, प्राणायाम में भी ध्यानात्मक भी है, प्रणव का जप भी कराया जा रहा है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है जो ध्यान को बहुत गहरा करता है, और साथ में अंत में उसमें 5 मिनट ध्यान के लिए लिखा गया है, जो सामान्य योगा प्रोटोकॉल है उसके अंदर कहा है कि 5 मिनट के लिए फिर ध्यान करें। तो एक तरह से केवल आसन नहीं है, वहाँ पूर्णता का प्रयास किया गया है कि लोगों तक इसका योग का पूरा स्वरूप जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके जो विचार हैं वो उन्होंने समझे हमारे दर्शकों ने। लेकिन ये योग की परंपरा गुरुजी आई कब से है? वैसे तो ईश्वर स्वयं योगस्थ रहता है। परमपिता परमात्मा जब सृष्टि का सृजन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि 1,97,00,000 वर्ष पहले सृष्टि बनाई, और 1,96,08,53,124 वर्ष पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो ये जब संसार को बनाते हैं उससे पहले 4,32,00,000 वर्ष तक परमात्मा योगस्थ रहता है, आत्मस्थ रहता है। यानी सबसे पहला अगर कोई योगी है, योग की परंपरा है, तो वो ईश्वर में है। वो ईश्वर सर्वप्रथम अपना जो ज्ञान है, जिसको हिरण्यगर्भ भी कहा गया है ईश्वर को, जब शास्त्रकार लोग इतिहास की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो कहते हैं कि साहब कब से आरंभ हुआ योग, कि हिरण्यगर्भ से आरंभ हुआ, तो वहाँ एक मानवीकरण करके कहते हैं कि हिरण्यगर्भ कोई ऋषि थे। ऐसा नहीं है, हिरण्यगर्भ ऋषि नहीं है, हिरण्यगर्भ वहाँ पर परमात्मा का ही नाम है। तो योग आरंभ तो होता है ईश्वर से, और जब ईश्वर आरंभ नहीं हुआ तो योग भी कभी आरंभ नहीं हुआ, ये सापेक्षता से हम कह रहे हैं ईश्वर की से। तो ईश्वर की सापेक्षता से तो योग नित्य है, लेकिन अगर मनुष्य की सापेक्षता से देखें, सृष्टि की उत्पत्ति की दृष्टि से देखें, तो जब पहली पीढ़ी पैदा हुई थी त्रिविष्टप तिब्बत में, तब चार शुद्ध अंतःकरण वाले, अत्यंत पवित्र अंतःकरण वाले अग्नि वायु आदित्य और अंगिरान चार ऋषियों के अंतःकरण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद का ज्ञान फूंका था, इनको प्रकट कराए थे ईश्वर ने। तो जब वो ऋषि थे तभी तो वो मंत्रों को ले पाए, और ऋषि वही होता है जो योगी होता है। इसका अर्थ हुआ कि सृष्टि के आदि काल से योग की परंपरा मानव के स्तर पर भी चल रही है। उसके बाद हमारे महर्षि कपिल हैं, कणाद हैं, वादरायण वेदव्यास हैं, महाभारत काल से बहुत पहले के ऋषि हैं, इन्होंने योग की परंपरा को लिया। महर्षि पतंजलि तो पूरा योग दर्शन ही लिखा। उपनिषदों की जो परंपरा है, उपनिषदों में भी योग का ही पूरा का पूरा वितान है, उसका भंडार भरा हुआ है। जब आप ईशोपनिषद की बात करते हैं और वहाँ पर कहेंगे कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगति अहं जगत्, सारे संसार में ईश्वर द्वारा आच्छादित है, तो वहाँ पर साधक ईश्वर में अपने आप को सन्निधि कर रहा है, ईश्वर से जुड़ रहा है। तो इसका मतलब वेद मंत्र और उपनिषद काल से ही योग चल रहा है। उसके बाद आदिनाथ की परंपरा कहते हैं, आदिनाथ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को, शिव को कहा गया है, क्योंकि नाथ संप्रदाय का आदि आरंभ वहाँ से हुआ है। कुछ लोग आदिनाथ जैन युग को कहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर आदिनाथ का अर्थ है भगवान शिव। तो शिव ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने वो परंपरा चलाई, और उस नाथ परंपरा में आज तक नाथ की परंपरा चल रही है, और गिरिपुरी आदि संत भी इसमें हुए हैं। तो बहुत प्राचीन परंपरा है योग की। जी, दर्शकों को हम बता दें कि डॉक्टर मोक्षराज जी ने कई बार जो है वो रिप्रेजेंट किया है भारत को इस फील्ड में, और मैं चाहूँगी आप अपने बारे में ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले आर्य समाज में योग की कितनी भूमिका है, आर्य समाज किस तरह से कार्य कर रहा है वो भी ज़रूर बताएं।
मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता भी है और थोड़ा कष्ट भी होता है। प्रसन्नता इस बात की है कि आर्य समाज की गुरुकुलों की परंपरा स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो कांगड़ी गुरुकुल से आरंभ की थी, तब से लगातार हमारे ब्रह्मचारियों को योग की शिक्षा, आसनों की शिक्षा, ध्यान करने की तकनीक, ये सबको सिखाई जाती थी। कितनी पुरानी बात हो गई। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वयं बहुत बड़े योगी थे। यद्यपि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हठ योग की पद्धतियाँ, प्राणायाम का अभ्यास या फिर और भी कुछ जो जिनको विभूतियाँ कहते हैं, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो शिवानंद गिरी जी से और ज्वालानंदपुरी से, माउंट आबू की पहाड़ियों में वो कई महीने तक अभ्यास करते रहे उनके निर्देशन में। इसी प्रकार से उन्होंने नर्मदा के किनारे पर, जो गुजरात तक नर्मदा जाती है, वहाँ त्रिवेणी एक स्थान है, वहाँ पर भी कई महीने तक अभ्यास किया है। असरोल में उन्होंने अभ्यास किया है। महर्षि ब्रह्मा की जो नगरी है पुष्कर, उसमें ब्रह्मा जी के मंदिर के नीचे एक तहखाना था। जब ऋषि दयानंद वेदभाष्य करते थे तब उस समय कभी कभी वो भाष्य लिखाते हुए रुक जाते थे और उस समय कहते थे कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यानी ऋषि उस समय नीचे जाते, समाधि लगाते और पुनः उन मंत्रों का जो उनमें प्रकाश होता था वो उसका अर्थ लिखाना आरंभ कर देते थे। तो ऋषि दयानंद स्वयं योग की परंपरा को, आर्य समाज के जो प्रवर्तक हैं उन्होंने आर्य योग की परंपरा को आरंभ किया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने, स्वामी समर्पणानंद जी ने और स्वामी हमारे जो नारायण स्वामी जी हुए हैं, नारायण स्वामी जी तो अपने आप में इतना उनका अभ्यास था कि एक बार उन्हें कोई कष्ट हुआ तो ऑपरेशन करना था तो उन्होंने डॉक्टर को कह दिया कि आपको एनेस्थीसिया देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना ऑपरेशन करते रहिए, मुझे तो बस एक अखबार पकड़ा दीजिए। तो उन्होंने बहुत गंभीर ऑपरेशन को भी अपना ध्यान उस शरीर के उस भाग से हटा दिया जो जहाँ पर उनको शल्यक्रिया करानी थी। इसी प्रकार से स्वामी आत्मानंद जी हुए, तो योग का जो एक प्रवाह लगातार चल रहा था महर्षि दयानंद सरस्वती से लेकर, वो लगातार चलता रहा और आज भी अनेकों आचार्य न केवल योग पर लिखते हैं बल्कि साधना भी करते हैं। और दुख इस बात का होता है कि जब योग की इतनी समृद्ध परंपरा आर्य समाज में थी, जो विशुद्ध परंपरा थी, वो परंपरा नहीं थी कि सब एक पैर पर खड़े हुए हैं या फिर पंचाग्नि तप कर रहे हैं और चारों तरफ आग जला रखी है, उसको कह रहे हैं साहब योग हो रहा है। ऐसे उन अंधविश्वासों से और बहुत ज़्यादा हठ जहाँ पर हो रहा था उससे दूर हटके, यद्यपि हठ का अर्थ भी ये नहीं है जबरदस्ती करना, हठ का अर्थ भी है, ह का अर्थ होता है आपके, ह और ठ ये दो हैं, तो एड़ा और पिंगला, एड़ा नाड़ी को ह बोला गया और ठ अर्थ पिंगला नाड़ी को बोला है, तो इस एड़ा और पिंगला नाड़ी को सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, इन सबको बैलेंस करना, इन नाड़ी विज्ञान को समझना, इसको हठयोग कहा गया है और उसको ऋषि दयानंद जी ने शिवानंद गिरी जी से और ज्वालानंदपुरी से सीखा भी था। लेकिन हम ये कहते हैं कि जोर जबरदस्ती वाली चीज़ें हैं, एक पैर पर खड़े हो, ठंड में खड़े हो, इस चीज़ से परे हटकर आर्य समाज ने अपने आप में योग की क्रांति की है, उसके विशुद्ध स्वरूप को उन्होंने प्रकट किया है, वो स्वरूप प्रकट किया है जो वेद में था, उपनिषदों में आया, योग दर्शन में आया और योगियों की परंपरा में आया। तो उस चीज़ को आर्य समाज ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। आज भी आर्य समाज को आवश्यकता है कि वो अन्य संस्थाएं जिस तरह से योग को लेकर के अपना अभियान चलाए हुए हैं, आर्य समाज को अपनी मूल विरासत को ध्यान में रखकर विस्तार रूप से, व्यापक रूप से अभियान चलाए। जो महर्षि दयानंद जी ने जो दृष्टिकोण रखा था वो अभी वो सपना वो पूरा करना है, उस पर अभी अग्रसर है, कह सकते हैं उस पथ पर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी और आगे चलना है, चलना चाहिए। ठीक है, मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में भी जरूर बताएं कि जब योग को लेकर आप जाते हैं, लोगों को बताते हैं, आर्य समाज के बारे में बताते हैं, योग की महत्वता बताते हैं, तो कैसे आप उनको समझा पाते हैं? मेरा सदैव ही महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति जो अनुराग और भक्ति रही है, क्योंकि मैं 1997 में ऋषि उद्यान अजमेर में योग सीख रहा था और उससे पहले भारतीय योग संस्थान ने मुझे 94 की बात है, 10वीं में जब पढ़ता था तब से मुझे भारतीय योग संस्थान से सीखने को मिला। उससे पहले मेरे जो अध्यापक थे वो 7वीं कक्षा से योग सिखाते थे और बच्चों को पीटी परेड के दौरान योग सिखाते थे। तो एक पुरानी बहुत लंबी परंपरा है, बाल्यकाल से ही मेरा योग से जुड़ाव रहा और फिर आर्य समाज के माध्यम से एक सैद्धांतिक पुष्टि मिली उसके लिए, तो वो मुझे बड़ा ही एक गौरव की बात है। और उसके बाद जहाँ भी मुझे योग कराने का अवसर मिलता है मैं इन मूलभूत तत्वों को साथ लेकर के चलता हूँ ताकि लोग भ्रमित ना हों। वैदिक जो योग विज्ञान है उस विज्ञान को जरूर लोग समझें, केवल आसन लगाने मात्र को योग न समझ लें, केवल प्राणायाम करने मात्र को योग न समझें। जो बात श्री कृष्णचंद जी महाराज जी ने गीता में कही है, समत्वम योग उच्चते सुखे दुखे समय कृत्वा लावा लावो जयो जयो,
तो वहाँ पर कहते हैं कि सुख दुख में, लाभ हानि में, गर्मी सर्दी भूख प्यास में, इन सब में द्वंद्व सहिष्णु रहना योग है, समत्वम योग है। वहाँ कहा कि योग कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता योग है, जो आपका स्किल है उसको आप ठीक से चला पा रहे हो वो आपका योग है। तो इन चीज़ों का जो एक स्वरूप शास्त्रों में दिया है, मैं उस ढंग से लोगों को कहने की कोशिश करता हूँ। और उसका लाभ ये मिला कि जब अमेरिका में रहते हुए मुझे योग पर काम करने का अवसर मिला, तो आपको आश्चर्य होगा चीन और रूस के भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बहुत मांसाहार करते हैं, उन लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया। और जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 में मैं अमेरिका की पार्लियामेंट के सामने योग करा रहा था, तब मुझे कहा गया था कि आप डेमोस्ट्रेटर किनको तैयार करोगे। तो उस समय डेमोस्ट्रेटर तैयार करने के लिए मैंने एक अपना मापदंड बना लिया कि जो अमेरिका में शाकाहारी हैं उन्हीं को योग के मंच पर लाऊंगा। और हमने वही किया कि योग जैसी चीज़ जिसकी शुरुआत ही यम से हो रही है, अहिंसा से हो रही है, वहाँ पर कोई आदमी मांस खा के दारू पी करके और बाद में योग करने लगे, जैसा कि अमेरिका में इस तरह का चलता है बेयर योगा, यानी दारू पियो और योग करो, डॉग योगा, आप डॉग योगा के सेंटर खुला हुआ है, वहाँ पर गॉट योगा के सेंटर खुले हुए हैं। तो हम चाहते थे कि उन लोगों को एक विशुद्ध रूप से एक मार्ग मिले कि ऋषि दयानंद या ऋषियों की जो परंपरा में योग है वो कितना उज्ज्वल पक्ष रखता है, इस रूप में हमने कन्विंस करने की कोशिश की लोगों को। तो गुरु जी, जिस तरह से महर्षि दयानंद जी ने एक ये उपदेश दिया था एक भारत भारतीयों का, तो वो भारत में भी ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है भारत में तो इसकी खाती है, और आप जैसे जो हैं जब आगे जाते हैं लेकर भारत को आगे जाते हैं तो एक गौरव महसूस होता है। आपकी जो विशेष उपलब्धियां मैं चाहूँगी उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। हाँ, ये निश्चित रूप से मुझे भी प्रसन्न करने वाला प्रश्न है कि मुझे ये गौरव मिला कि सबसे 2018 में अमेरिका की जो संसद है उसके सामने योग कराया, सबसे पहले व्हाइट हाउस के सामने हमने 2019 में योग कराया, और व्हाइट हाउस के सामने ही वाशिंगटन मॉन्यूमेंट है, उस मॉन्यूमेंट के सामने लगभग 3000 लोग थे, 17 देशों के लोग थे, उनको योग कराया, अनेकों राजनयिक जो एम्बेसडर्स जाते हैं, लगभग 192 देशों के एम्बेसडर वहाँ रहते थे वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, उन लोगों में से बहुत सारे एम्बेसडर्स की किसी की धर्मपत्नी, कहीं स्वयं एम्बेसडर, कई राजनयिक वहाँ पर योग सीखने के लिए आते थे, और शाकाहार के रूप में भी हमारी एक उपलब्धि वहाँ पर रही। दूसरा एक अभियान और चलाया, जैसा कि ऋषि दयानंद जी स्वदेशी की बात करते थे, स्वदेशी स्वाभिमान की बात करते थे, जब योग दिवस मना 2018 का, तब आप देखेंगे उस समय की जो वीडियोज हैं, मैंने वहाँ पर चाइना की बनी हुई ये जो प्लास्टिक और रबड़ का कचरे वाली मैट बनती है जिसको लोग योग मैट कहते हैं, उसका उपयोग नहीं किया था, उसका बहिष्कार कर दिया था, और ये कहा था कि भारत में बनी हुई जो खादी की बनी हुई दरियाँ हैं उनका उपयोग करो ताकि भारत के किसानों को इसका लाभ मिले, ताकि कपास की खेती यहाँ पर बढ़े, तो स्वदेशी प्रोडक्ट का भी लोगों के सामने एक आदर्श जाएगा, और दूसरा योग जब भारत का है तो फिर उसका फायदा, उसका मुनाफा चीन को क्यों मिलना चाहिए जो हमारा शत्रु राष्ट्र है। तो एक ये भी एक अभियान मेरा सफल रहा, तीनों वर्ष हमने इस पर काम किया। 2019 में माननीय मोदी जी को मैंने एक ईमेल थ्रू आयुष मंत्रालय एक परफॉर्मेंस के रूप में जो गया था उसमें लिखा था कि आप प्लास्टिक की योग मैट का ये बंद करें और इसकी जगह दरियां बिछाएं। तब उन्होंने रांची में, उसके बाद रांची में सारा का सारा खादी की दरियों पर मैट था, सीआरपीएफ का कैंप था, वहाँ पर उन्होंने उसको एडॉप्ट किया। साथ ही संस्कृत और हिंदी, इन दोनों का उपयोग भी योग के साथ जरूरी था, इस बात को मैंने यूएन में कहा, इन दोनों के लिए भी मेल लिखा था कि आपको पहले मंत्र, किसी भी देश में आप योग करा रहे हो, जो मंत्र योग के प्रोटोकॉल में आए हैं उनको जरूर उसमें सम्मिलित करना चाहिए। चलिए देखिए, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो हम मना रहे हैं देश विदेश में, उसमें आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कितना योगदान है, ये आपको हमारे अतिथि के जो विचार है उनसे पता चला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने अच्छे विचार रखे, धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका भी दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए।